राम के जीवन में जो ऐसी घटनाएं हैं वो अगर वाल्मीकि राम के जीवन में नहीं घटी होती और काल्पनिक पात्र होते तो वो ऐसी घटनाएं नहीं बताते। समझो कि वाली को उन्होंने चीप के मारा, एक वृक्ष के पीछे खड़े रह गए राम और फिर बाण मारा। ये तो राम के जीवन के लिए, राम इतने बड़े शक्तिशाली थे और ऐसी तरह राम वाली का वध करते हैं तो ये ठीक नहीं है। मगर वाल्मीकि ने ये प्रसंग चाहते तो निकाल सकते थे, मगर नहीं निकाला है। क्यों? ऐसा घटना बनी है उनके जीवन में। He's writing history। एक धोबी था और धोबी ने सीता के बारे में ऐसे वचन कहे, कलुषित वचन कहे, तो वो बात राम के सुनने में आई और फिर राम ने सीता का त्याग किया। अभी ये जो धोबी की बात है, एक अकेले धोबी की बात, ये वाल्मीकि रामायण है। पूरे देश में कोई भाषा में ये एडिशन का ट्रांसलेशन हिंदी से भी पहले, हाँ हिंदी से भी पहले अंग्रेजी में हुआ है। अंग्रेजी हमसे आगे है। हाँ। अंग्रेजी आप देखो कि पश्चिम में अमेरिका में गोल्डमैन है, ये गोल्डमैन ने हमारे पहले, मैंने 2020 में ट्रांसलेशन पूरा किया, मैं अकेला था, उनकी 5 और आदमी थे, 6 लोग मिल के उन्होंने काम किया और 2017 में उन्होंने ये समीक्षित आवृत्ति का ट्रांसलेशन विथ नोट्स एंड इंट्रोडक्शन उन्होंने पूरा किया। मेरा अभी इंट्रोडक्शन का काम चल रहा है, अनुवाद का काम मैंने पूरा किया। नमस्कार, जैसा कि हमने कहा था कि शीघ्र ही वाल्मीकि रामायण के किसी निष्णांत से हम वार्ता करेंगे, तो आज समय आ चुका है। आज हमारे साथ विजय भाई पंड्या सर हैं। नमस्कार। सर का यदि मैं मोटा मोटी अगर परिचय दूं तो आपको करीब 20 वर्ष का वाल्मीकि रामायण में आपका अध्ययन है। आपको 2010 में विशिष्ट पुरस्कार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की ओर से मिल चुका है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में भी विशिष्ट पुरस्कार मिल चुका है और आप वाल्मीकि रामायण की कई टीकाएँ भी कर चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। सर इस विषय को लेकर जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि 300 से अधिक रामायण लिखी गई है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाह रहा था कि इन 300 से अधिक रामायण में वाल्मीकि रामायण का क्या महत्व है। बराबर, ऐसा है कि 300 रामायण की संख्या भी कम है, क्योंकि ऐसा जैसा कहा गया है तुलसीदास जी ने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी तरह बिल्कुल सही अर्थ में रामायण की भी बहुत सारी पृथ्वी पट पे बहुत सारी कथाएं हैं। मगर हमें ये बात का विस्मरण नहीं होना चाहिए हमें कि सब कथाओं का मूल वाल्मीकि रामायण है और सबसे पुरानी वाल्मीकि रामायण है। तो इसलिए हमें वाल्मीकि रामायण को अथॉरिटी प्रमाणभूत मान के बाद में जो कुछ राम कथाएं आई हैं, जो कुछ रामायण आई हैं, हमारे देश में बहुत सारी प्रादेशिक रामायण हैं अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में वगैरह में बहुत सारी रामायण आई हैं, मगर वो सब रामायण की प्रेरणा, उसकी इंस्पिरेशन मूल वाल्मीकि रामायण है, ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा। अच्छा, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण हमारे लिए एक इतिहास का ग्रंथ है? हाँ, वाल्मीकि रामायण इतिहास का ग्रंथ इसलिए है कि जो वाल्मीकि रामायण में जिस महापुरुष का आलेखन हुआ है वो राम, भगवान राम है। ऐसे भगवान तो हमारे हृदय में वो भगवान के रूप में विराजमान है, इसलिए हम उसे उनको भगवान कहते हैं। मगर ओरिजिनली वाल्मीकि ने राम का आलेखन, चरित्र चित्रण एक मनुष्य के रूप में किया है। तो आपको, आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी जगह राम एक मनुष्य है, हमारे आप जैसे, हम जैसे आप हैं ऐसे, उसी तरह राम भी ऐसे ही मनुष्य है। मगर रामायण हमें ये प्रेरणा देती है कि एक मनुष्य भी किस तरह देव बन सकता है, किस तरह अपने मनुष्यत्व के गुणों से विकास करके किस तरह देवत पद को हासिल कर सकता है, वो रामायण हमें सिखाती है। तो दूसरा अभिषेक भाई, ऐसा है कि वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण में आलेखित राम और हमारे हिंदू जो पांथियन है, देवों का जो समूह है, वो समूह में राम एक विशिष्ट प्रकार का देव है,
क्योंकि दूसरे देवों में ऐसी बात है कि वो देव है वो कभी नहीं, वो भूलते हैं और हमें भूलने नहीं देते हैं। दूसरे जो देव होते हैं वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि माइंड वेल, मैं भगवान हूँ। राम ऐसे हैं भगवान हमारे हिंदू पांचन में कि वो खुद भूल जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आलेखन किया है कि राम स्वयं भूल जाते हैं कि वो राम भगवान है। क्योंकि हाँ। ब्रह्मा वगैरह बोलते हैं कि राम ये क्या कर रहे हैं आप सीता की क्यों इतनी कसौटी कर रहे हैं, आप स्वयं भगवान हैं, सृष्टि का सृजन आपने किया है, आप अगर एक पलक मारते हैं तो अंधेरा हो जाता है, आप आँख खोलते हैं तो दिन हो जाता है, ऐसे आप भगवान हैं। तो ये राम पूरी अपनी हिंदू और भारतीय देव सृष्टि में राम एक बिल्कुल अलग देव है, इसका श्रेय हमें वाल्मीकि को देना चाहिए। अच्छा, तो ये सर कितनी पुरानी है वाल्मीकि रामायण ऐसा कह सकते हैं? ऐसे जो विद्वान, जो मैं अभिषेक भाई क्या है एकेडमिकली सब बातें सोचता हूँ, तो जो अभी हम जो वाल्मीकि की राम कथा से परिचित है, अभी जो हमारे पास रामायण है वाल्मीकि की रामायण, वो रामायण हमारे पास ईस्वी सन पूर्व 800 में आ गई है। अच्छा, ईस्वी सन पूर्व 800 माने आज 2021 चल रही है, तो 3000 वर्ष पूर्व ये राम कथा जो आज आप जानते हैं मैं जानता हूँ वो राम कथा आ गई। अच्छा, उसके पहले कब से प्रचलित हुई राम कथा, राम के बारे में ये सब कथाएं हैं तो किस तरह से प्रचलित हुई, कब से प्रचलित, उसका कोई पता नहीं चलता है। वो कब से शुरू हुई नहीं कह सकते, मगर ईस्वी सन पूर्व 800 में हमारे अभी जो रामायण हमारे पास है वो आ गई, तो 3000 वर्ष। अच्छा, इसे वाल्मीकि जी ने ही लिखा था? हाँ, वाल्मीकि जी ने लिखा है, मगर इसमें भी एक बात यह है सोचने जैसी कि वाल्मीकि के पास, वाल्मीकि एक ऐसी व्यक्ति हो गए कि वाल्मीकि ऋषि हैं और ऐसी व्यक्ति हो कि उनके पास राम कथाएं सब आई। राम जब वाल्मीकि हुए तो वाल्मीकि के समय में बहुत सारी राम के बारे में कथाएं प्रचलित थी, मिथ भी प्रचलित थी, अनेक सारी कथाएं थी। वो तो राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, मनुष्य थे, मगर मनुष्य ऐसे थे कि लोकोत्तर मनुष्य थे। वो जैसे पिछले पश्चातवर्ती जो भवभूति कवि हो गए तो उन्होंने कहा है कि लोकोत्तराणाम चेतांश, वो लोकोत्तर हो गए, असाधारण मनुष्य हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य थे। तो उनके बारे में तरह तरह की वार्ताएँ, तरह तरह की स्टोरीज, तरह तरह की मिथ्स एकत्र होती गई, तो फिर वाल्मीकि आए और वाल्मीकि ने सब एकत्र किया और उसको हमें रामायण दी। अच्छा, वो करते समय वाल्मीकि ने अपनी ओर से भी अंदर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा, क्योंकि लिखना है ना, लिखना है तो लिखते समय तो उसको अच्छा स्वरूप देना है, साफ सुथरा स्वरूप देना है, मिथ कथा तो कुछ भी हो सकती है उसको। तो इस तरह वाल्मीकि को हम इसी तरह कवि या लेखक मान सकते हैं कि जिन्होंने राम के बारे में जो भी कथाएं प्रचलित थी वो सबका एक सुश्लिष्ट स्वरूप दिया। अच्छा। और हमारे पास वाल्मीकि रामायण आई। तो एक दो धाराएं चल रही है, एक है जो इसे पूर्णतः इतिहास का ग्रंथ मान रहे हैं, दूसरे कुछ लोग हैं वो इसे पूरी तरह से काल्पनिक बता दे रहे हैं। हाँ। तो इस पर आपके क्या विचार है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि वाल्मीकि रामायण में देखो इक्ष्वाकु वंश और अयोध्या की बात है, अयोध्या का राजा इक्ष्वाकु वंश वाले हैं। तो जो राम है वाल्मीकि के अनुसार और वाल्मीकि ने जिस तरह हमें रामायण दी है उसके अनुसार, राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो हो गए ऐतिहासिक व्यक्ति थे, मनुष्य थे, इक्ष्वाकु वंश भी है और उसमें ऐसे मनुष्य, और राम के जीवन में जो घटना घटी है वो घटनाएं भी उनके जीवन में घटी है, ऐतिहासिक बिनाएं है, और उसको फिर वाल्मीकि ने रामायण का स्वरूप दिया है। तो अच्छा, ये बात तो एक है कि मूल जो बीज है वाल्मीकि रामायण की कथा का, जो मूल बीज है वो सत्य है, वो रियलिटी है। फिर वाल्मीकि ने लिखा और उसमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक भी है, तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि आधी आधी रियलिटी और आधी कल्पना, हाफ रियलिटी एंड हाफ इमेजिनेशन, इस तरह से वो रामायण बनी है। तो और दूसरा क्या है कि वाल्मीकि ने, देखिए
पूरी जो कथा है उसमें कहीं भी हमें कल्पना बहुत सारी आती है, आकाश में लोग उड़ते हैं, स्वरूप बदलते हैं, काम रूपी ऐसा राक्षसों को तो काम रूपी कहा जाता है, हनुमान जी भी ऐसे हैं, हनुमान जी भी काम रूपी है, वो चाहे वो स्वरूप ले सकते हैं, मगर फिर भी स्टोरी जो आता है राम वो कहीं भी हमें असंभवित नहीं लगती है कि भी ये नहीं ये कैसे हो सकता है, असंभव नहीं लगते, ये कल्पना का भाग हो सकता है और हमें हमारे हृदय में या दिमाग में ऐसी चीज नहीं आती है कि ये संभव नहीं है, गलत है, सब गप्पे हैं, ऐसा बात नहीं है स्टोरी की, सब वी कैन एक्सेप्ट दैट एज ए स्टोरी ऑल्सो और एंड एज एन इमेजिनेशन ऑल्सो। जैसे एक प्रसंग है कि सेतु निर्माण के पहले समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे समझा जाए? क्या मैं सोचता हूँ कि चलिए हमारे गांव में नदी तालाब का भी कोई ना कोई मालिक हुआ करता था, कोई उसका स्वामी हुआ करता था, तो क्या उस समुद्र का कोई रक्षक होगा जिसने आके कहा होगा कि यहाँ क्या कर रहे हो? इसको कैसे समझा जाए? ऐसा है कि वो समुद्र में वो जब बांधते हैं सेतु बांधते हैं तो उनको थोड़े लोगों को ऐसा लगा होगा, ऐसा मेरी सोच है, ऐसा लगा होगा कि भाई इस तरह के कोई जलाशय है इतना बड़ा, उसमें इस तरह का बांध काम करना ठीक नहीं है, तो इस तरह से उसको फिर अच्छा स्वरूप देना चाहिए और सम्मति लेनी चाहिए, ऐसा एक शिष्ट व्यवहार है मानव जात का, तो इसी तरह उन्होंने कल्पना से ये शिष्ट व्यवहार वाल्मीकि ने जोड़ दिया कि भी समुद्र का जो, और हमारे भारत में क्या है कि जो माइथोलॉजी है तो हमारे भारत में जो चीज़ है वृक्ष है तो वृक्षों में भी देवता बसते हैं, तो सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सूर्य है तो सूर्य में भी, सूर्य केवल प्राकृतिक गोला नहीं है, सूर्य कोई गर्मी का गोला या प्रकाश का गोला नहीं है, उसमें भी सूर्य नाम का आदित्य देव है, चंद्र में भी देव है, तो इस तरह हमारी जो मान्यता है वो मान्यता के मुताबिक ये बात बराबर बन बसती है कि समुद्र है तो समुद्र का कोई अधिदेवता होना चाहिए, पृथ्वी का भी अधिदेवता है, सब जगह हम हमारी ऋग्वेद काल से ये मान्यता तो चली आ रही है ना कि पूरे सब प्रकृति में प्रकृति के अधिष्ठाता देवता है, प्रकृति कोई जड़ चीज नहीं है। इसलिए हमारे देखो इसमें भी अभिषेक भाई आगे चले जाएं तो क्या है कि वेदांत में जो है, वेदांत में क्या कहते हैं कि सारी चीज सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब चैतन्य है, पूरा पूरी चीजें जीवंत है, जो ये चीज़ मेरे सामने माइक है वो भी जीवंत है, ऐसा हमारे वेदांत के अनुसार है। तो इसी तरह ये रामायण में अगर समुद्र में से कोई निकलता है और ऐसा राम को कहता है, सलाह देता है कि भी आप ऐसा करो, तो ये पूरा संभाव्य है कि भी देवता है तो देवता की पूजा करनी चाहिए, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल एलिमेंट्स, ऐसे जो प्राकृतिक तत्व है, इसलिए तो अभी हमारे पर्यावरण के कितने प्रश्न हुए हैं, अभी देखिए आधुनिक समय में पर्यावरण के बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, इसलिए कि हम प्राकृतिक और जो पूज्य भाव था कि भी ये प्रकृति है वो भी देव है हमारे लिए आदरणीय है, वो भाव हमारा बहुत कम हो गया, इसलिए ये सब समस्याएं उत्पन्न हो। तो जैसे कि हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं जटायु का उल्लेख आता है, समुद्र देव का, तो ये हमारे जो प्राचीन समय से एक जो धारणा है और जो हमारे ऋषि मुनि कह गए प्रकृति पूजक, जो ये हमारी जो बातें हैं इसको और ये अधिक सशक्त करता है, तो ये समझा जा सकता है। बहुत अच्छी बात की, जटायु की भी बात ऐसी है, जटायु जो पक्षी है, तो कितना मानव जीवन और पक्षी जीवन और दूसरा प्राकृतिक जीवन सब भूल मिल जाते हैं। जटायु भी सीता के रक्षण के लिए दौड़ा आता है और अपने प्राण की आहुति दे देता है, तो ये सब बातें आपने जो जटायु का उदाहरण उल्लेख किया तो बहुत अच्छी, इस तरह से हम पूरी बात समझ सकते हैं कि प्रकृति भी एक जीवन चीज है, जीवन वस्तु है और मानव जात से, मानव समाज से कोई अलग नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कि आज के समय में यदि हम देखें जो जनमानस में जिस रामायण का सबसे अधिक प्रभाव है वो है रामानंद सागर की रामायण, तो अब उसका बेस अगर हम देखें तो वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो है। अब क्या है कि लोग उस लोगों ने ना वाल्मीकि रामायण पढ़ी है ना तुलसीदास की रामायण पढ़ी है, वे रामानंद सागर की रामायण देख के कई तरह के तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी एक ही रिसेंट में एक मुद्दा था पत्थरों पर जय श्री राम लिखने का मुद्दा, तो इस पर मैंने जाके इस विषय पर थोड़ा अध्ययन किया और मुझे पता चला वाल्मीकि रामायण में कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वे कौन से ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी घटनाएँ हैं या कथाएँ हैं
जो वाल्मीकि रामायण और वर्तमान में जो जनमानस में जो रामायण को लेके प्रबल हैं, सशक्त हैं, तो हाँ वो कौन से ऐसे प्रसंग हैं जो पूरी तरह से भेद है इन दोनों में? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे समाज में बहुत सब लोगों के दिमाग में ये चीज है कि तुलसीदास की वजह से, और दूसरा कंब रामायण भी कम होता दक्षिण की? है दक्षिण का, तो कंब रामायण में ये बात आती है। तो तुलसीदास की रामायण और कंब रामायण में ये बात आती है कि एक धोबी था, और धोबी ने सीता के बारे में ऐसे वचन कहे, कलुषित वचन कहे, तो वो बात राम के सुनने में आई, और फिर राम ने सीता का त्याग किया। अभी ये जो धोबी की बात है, एक अकेले धोबी की बात, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये सबसे पहली बहुत बड़ी बात ये है, इसमें बहुत भिन्न है। अभी देखो, कभी कभी हमारे वहाँ राम के कई जो वर्तन है, राम के जीवन की कई घटना है, वो बहुत टीका पात्र हुई है। पीपल क्रिटिसाइज राम, राम हाउ कैन राम बिहेव लाइक दिस, हाउ कैन राम लीव सीता इन लर्ज लाइक दिस। तो क्या है कि उसमें, उसके बारे में अगर सोचा जाए, तो वाल्मीकि रामायण में क्या है कि कोई एक व्यक्ति सीता की टीका नहीं करता है, सीता की निंदा नहीं करता है। उसमें ऐसा बताया गया है कि पूरी अयोध्या और जनपद, वो अयोध्या की बाहर जो ग्राम विस्तार है, ग्राम विस्तार के लोग, पूरे सब लोग सीता के बारे में ऐसे, जो हमारी गुजरात में कान फूसिया ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसे एक दूसरे के कान भर रहे थे, कान भरते हैं कि ऐसी से ऐसी सीता है, उसको राम अपने घर में रख रहे हैं, हमारे हमें भी ऐसे, हमारी पत्नी के ऐसी चारित्र्य को चलाना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा, ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं कहता है, पूरे समाज ऐसा बात करने लगा है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में। ये एक बात बहुत बड़ा बड़ी भिन्न भिन्नता तो ये है कि अभी जो प्रचलित धोबी की बात है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ऐसा है। और दूसरी कई चीज़ें है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है और अभी प्रचलित है। समझो कि आपने जैसा वो खिसकोली है, तो खिसकोली तो उसके में पट्टे हैं, तो राम ने ऐसे हाथ लगाए तो, और वो अपने सेतु बन में वो भी अपना छोटा सा भी योगदान दे रहे, योगदान दे रहे। इसके बाद तो वो बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मण रेखा, हाँ लक्ष्मण रेखा, ये सबसे बड़ी बात तो लक्ष्मण रेखा की, लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और तो सिर्फ ऐसे लक्ष्मण कह के जाते हैं कि राम तो पूरा विश्व का सामना कर सकता है, आप मुझे क्यों ऐसा भेज रही है, तो ऐसा कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं है उसकी। ये दूसरी रामायणों में से बात आई, हाँ। और लोक कथा में से, लोक कथा में से, लोक कथा में से आती है, जनश्रुति में, हाँ, से, जनश्रुति में से आती है। दशरथ की पत्नियों का उल्लेख, जैसे इसमें 350 रानियों का उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में, किंतु हम तुलसीकृत रामायण की जब देखते हैं तो उसमें 3 ही रानियां बताई गई है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो भिन्नता मुझे देखने मिलती है, वो है कि हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण ने वानर अर्थात वन में रहने वाला एक नर, एक आदि पुरुष बताया है, वनवासी बताया है, जबकि हम तुलसीदास की रामायण में देखते हैं तो पूरी तरह से उसे बंदर बता दिया गया है, तो इसे कैसे समझें? अच्छा, दूसरे तो तुलसीदास की वो भी बात है, मगर दूसरी बात क्या है, हनुमान जी तुलसीदास जी के हनुमान जी हैं, उसमें वो पूरे राम के भक्त तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास में, तो जो भी कहते हैं तो वो ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, अरे मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दूत हूँ, तो मेरा कार्य तो सफल होने वाला ही है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का चित्रण देखिए, तो कई जगह ऐसे ऐसे आते हैं, कई स्थल ऐसे हैं जहाँ हनुमान जी निराश हो जाते हैं कि अरे मुझे सीता का पता नहीं चला, मैं अगर ऐसे ही वापस चला जाऊँगा तो मैं राम लक्ष्मण को क्या जवाब दूंगा, मेरे जो स्वामी है सुग्रीव, सुग्रीव उसका स्वामी है, सुग्रीव राजा है तो उसका स्वामी, सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी है, तो मेरे राजा को मैं क्या जवाब दूंगा, तो बहुत निराश हो जाता है, और बोलते हैं कि मैं तो अनशन कर दूंगा, अनशन करके यहाँ ही मेरा प्राण त्याग दूंगा। ऐसी तैसी बातें तुलसीदास में नहीं है, क्योंकि तुलसीदास के हनुमान जी कैसे हैं कि मैं तो भगवान का काम करने निकला हूँ, तो वहाँ तो राम स्वयं भगवान है, और राम के जो आसपास लोग हैं वो भी राम भगवान है ऐसी श्रद्धा रखने वाले हैं। यहाँ वाल्मीकि रामायण में ऐसे दूसरे पात्र राम को भगवान नहीं मानते हैं, समझो हनुमान जी का भी ऐसा नहीं, हनुमान जी राम का सेवक है, मगर सेवक होना, दूत होना,
वो तो क्या है कि कोई ऐसा पात्र हो सकता है, महान व्यक्ति हो सकता है, तो वो व्यक्ति की सेवा में लोग लग सकते हैं, इसी तरह हनुमान लगे हैं। बाद में फिर क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने तो क्या किया कि पूरे राम में देवत्व का वाल्मीकि में है, नहीं है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा भी कहना चाहिए कि मनुष्य है, बहुत जगह मनुष्य है, मगर उनमें दैवी अंश है, राम में दैवी अंश है। तो मेरे ख्याल से हमें वाल्मीकि रामायण का ऐसा अर्थ गठन करना चाहिए कि वाल्मीकि हमें ऐसी सीख देना चाहते हैं कि भाई देखिए, मनुष्य होते हुए भी देव बन सकते हैं, ऐसे सीख वो देते हैं कि कितनी आपत्ति आई राम के पर, बहुत आपत्ति आई, तो फिर भी वो आपत्ति से आपत्तियों को झेल के फिर भी अपना स्वत्व गंवाए बिना फिर वो अंत में विजयी हुए, और फिर साधारण मनुष्य की तरह वो भी शंका शंका वगैरह उनमें भी रहता था, रहते थे। तो इसी तरह राम का चित्रण वाल्मीकि ने इसीलिए किया है शायद, और ऐसे थे राम, ऐसे हो सकते हैं जो बातें। अच्छा, दूसरी बात अभिषेक भाई मैं क्या कहता हूँ कि ऐतिहासिक इसीलिए है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम के जीवन में जो ऐसी घटनाएं हैं वो अगर वाल्मीकि राम के जीवन में नहीं घटी होती और काल्पनिक पात्र होते तो वो ऐसी घटनाएं नहीं बताते। समझो कि वाली को उन्होंने छीप के मारा, एक वृक्ष के पीछे खड़े रह गए राम और फिर बाण मारा, ये तो राम के जीवन के लिए, राम इतने बड़े शक्तिशाली थे और ऐसी तरह राम वाली का वध करते हैं तो ठीक नहीं है। मगर वाल्मीकि ने ये प्रसंग चाहते तो निकाल सकते थे, मगर नहीं निकाला है। क्यों? ऐसा घटना बनी है उनके जीवन में। He is writing history. He is writing a history of राम। इसलिए राम के जीवन में जो बनी है वो। अच्छा, तुलसीदास जी ने क्या किया बाद में जो लंका से वापस आ गए, राजा बन गए राम, अच्छी तरह राम राज्य हो गया, वहाँ तुलसीदास ने पूरा किया अंत कर दिया। अच्छा, तो यहाँ तो उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में फिर सीता के बारे में बात आई तो सीता को फिर उसको त्याग कर देते, फिर सीता को कहते हैं राम कि आप आपकी चारित्र शुद्धि का प्रमाण दीजिए, तो फिर वो पृथ्वी में समा जाती है। ये सब बातें तुलसीदास में नहीं है, दूसरे में उनका उल्लेख है, रामचरित मानस में ये सब बातें नहीं। तो देखिए कि ये घटनाएं बनी दूसरा वाल्मीकि रामायण में अगर हम देखें तो उन्होंने एक राजा बताया है राम को, लेकिन बताया है कि राजा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बीच में नहीं लाता है, वो प्रजा का है ना, वो ही कि वह चाहते अगर व्यक्तिगत, आज के समय में अगर देखें तो व्यक्तिगत स्वार्थ के, अब मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, जाओ जो करना है कर लो, है ना, लेकिन वो प्रजा का सुन के अपनी पत्नी का त्याग करते हैं। तो वहाँ पे वो जो एक राजा का जो चरितार्थ है उसको भी प्रकट किया गया है, ताकि वो इसी कारण हम उनको अभी देव मानते हैं, भगवान मानते हैं, आदर्श, तो राजा आदर्श प्रजा उनके लिए मुख्य थी, वो प्रजा के लिए थी। अच्छा, कोई ऐसा भी कह सकते हैं अभिषेक कि एडवर्ड पंचम हो गया ब्रिटेन में, वो भी राजा थे, ठीक है, तो वो राजा ने क्या किया था कि वो साधारण मनुष्य साधारण स्त्री के साथ वो प्रेम करते, तो अगर वो राजा है तो उसके साथ शादी नहीं कर सकते, ब्याह नहीं मिलना चाह सकते, तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और वो साधारण स्त्री के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जो राजवंश है वो त्याग कर दिया। तो कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि राम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, कि समझो कि राम तो जानते हैं कि सीता शुद्ध है, सीता के चरित्र में कोई खामी नहीं है, राम वो स्वयं तो जानते ही है, लोग ऐसा बताते हैं, मगर राम को कोई शंका नहीं है। वाल्मीकि ने भी ऐसा ही बताया है कि राम के चित्त में कहीं भी सीता के चारित्र के बारे में कोई भी तनिक भी शंका नहीं है। तो राम सीता का त्याग क्यों किया, राज्य का त्याग क्यों नहीं किया, दूसरे तीन भाइयों थे किसी को दे सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इक्ष्वाकु वंश और जो वंश के जो राजा है उसमें कोई साधारण आदमी की तरह वो जो ऐसा इरिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई भी जवाबदार आदमी होता है, ऐसा राम नहीं कह सकते थे। तो दैट ऑप्शन वॉज नॉट ओपन टू राम टू लीव द किंगडम, टू लीव हिज रेन ऑफ द किंग एंड एडॉप्ट सीता। तो सीता का त्याग करना उचित था, क्योंकि उनको आदर्श मिटाना था, इक्ष्वाकु वंश की ये परंपरा थी, तो परंपरा के अनुसार
राम को वर्तन करना चाहिए और प्रजा के सामने एक उदाहरण मिसाल देना चाहिए। दूसरा इक्ष्वाकु वंश की जैसे बात है तो हम हमारे जो हमारी संस्कृति में ही देखे कि हम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी है ना, हमारी जो पहली जननी है वो हमारी मातृभूमि है। तो अब यहाँ पे अगर चुनाव करने का विषय आए कि मैं अपनी पत्नी जो बाद में एक संबंध बना है और एक मुझे जिसने जन्म दिया है तो ऑब्वियस है कि मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा, तो ये भी एक अलग एक हमारे सामने आता है। दूसरा, आपने उत्तरकांड की बात की तो उत्तरकांड को लेके स्कॉलर्स में कई मतभेद हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, और कई तो पूरी तरह से खंडन करते हैं कि ये पूरी तरह से 100% झूठ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ऐसा है कि कई विद्वानों, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, वो याकोबी करके एक जर्मन विद्वान हो गए, वो पहले पहल ये रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसके पाठ के बारे में उन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए थे। उसमें उन्होंने उनका ये कहना था कि बाल कांड पहला कांड और उत्तर कांड अंतिम कांड, ये दोनों कांड पीछे से जुड़े गए हैं, वो दोनों प्रक्षिप्त है, वाल्मीकि ने नहीं लिखे हैं, ऐसा उनका कहना था। मगर क्या है कि ये बात उनकी सच नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है कि उत्तरकांड जो है, उत्तरकांड में देखिए किष्किंधा कांड जब हम पढ़ते हैं तो किष्किंधा कांड में, और इसी तरह वाल्मीकि ने जो कवि है, जो लेखक है वाल्मीकि रामायण का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत कलात्मक ढंग से, बहुत प्रतीतिकर रूप से ये बात कही है कि किष्किंधा कांड में जब ये सब बातें चल रही है तो सुग्रीव को बहुत वाली बहुत सताता है, बहुत उत्पीड़न करता है सुग्रीव का। अच्छा, सुग्रीव का साथी हनुमान है, हनुमान जैसा तो वो समय में पूरे विश्व में हनुमान जैसे शक्तिशाली कोई नहीं था, फिर भी हनुमान ने क्यों ये सब कष्ट, सब दुख, सब उत्पीड़न अपने मित्र का सहन करने दिया, मित्र को सहन करने दिया, वो रोक सकते थे मगर उन्होंने रोका नहीं और वो भी साथ में रहे, तो वो प्रश्न हो सकता है। मगर वाल्मीकि ने किष्किंधा कांड जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि अरे हनुमान जी ऐसे ताकत वाले हैं और फिर भी कुछ करते नहीं, अपने मित्र की सहाय नहीं करते। वो अगर जो प्रबुद्ध वाचक है उसके मन में प्रश्न होगा, ये प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में देते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्यों कि भाई उनको शाप मिला था कि बहुत शक्ति थी उनमें, मगर जब तक कोई स्मरण नहीं कराएगा तब तक वो शक्तियों की याद उसको नहीं आएगी और मानो कि उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, इसी तरह हनुमान जी का व्यवहार रहेगा। उत्तर का दूसरा अर्थ है उत्तर, आंसर, कई प्रश्न जो हाँ, अभी तक के कांडों में आ गए उन सबके उत्तर यहाँ मिल रहे हैं। जो प्रश्न अनसॉल्व है, जो प्रश्न अनरिजॉल्व है, जो अनुत्तरित रहे हैं यहाँ अब तक, वो अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर यहाँ उत्तर कांड में मिलता है। उत्तर का ये तो बहुत अच्छा अर्थ है, उत्तर संस्कृत में उत्तर का उत्तम भी अर्थ है, उत्तर का आंसर उत्तर भी अर्थ है, उत्तर माने जुड़वा, माने कि भी राम कथा पूरी होती है मगर फिर भी कई बातें हैं कि जो पूरी समेटनी चाहिए योग्य रूप से, यथा योग्य रूप से बात को संपूर्ण उसका स्वरूप देना चाहिए, तो भी काम उत्तरकांड करता है। अच्छा, रावण का जब हम राम रावण की बात चल रही है तो हम रावण के बारे में कई चीज़ें जानते नहीं है कि रावण को ऐसे मिला, वरदान मिला, वो सब बातें हैं, मगर रावण कौन से वंश का था, किस क्या था, क्यों ऐसा उसको शक्ति प्राप्त हुई, ये सब बातें का उत्तर भी उत्तरकांड में है। और दूसरी वो उत्तरकांड में है, और दूसरी बात क्या है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात कि उत्तरकांड में जो कई ऐसे सर्ग हैं जिसमें रावण का कथा चक्र खत्म हो गया, हनुमान जी एक दो सर्ग में हनुमान जी की पूर्व जीवन की बातें आ गई, फिर राम के जीवन की बात आगे बढ़ती है कि अब राम आ गए, राज्याधीन हो गए, राज्याभिषेक हो गया, राज्य चल रहा है, फिर राम के जीवन की बात आगे बढ़ती है। तो मैं अभिषेक भाई इतना बताऊं कि इतना मोस्ट मूविंग, इतना ट्रेजिक है वो दृश्य, और वो जो आलेखन वाल्मीकि ने किया है, कोई बड़ा कवि ही, बहुत शक्तिशाली कवि हो, बहुत बड़ा मनुष्य के स्वभाव को जो बहुत अच्छी तरह से जानता हो, वो ही ऐसा आलेखन कर सकता है।
इसलिए वाल्मीकि को मैं विश्व के बहुत बड़ा कवि मानता हूँ। ऐसा आलेखन कोई और नहीं कर सकता है। ऐसा आलेखन वो जो बाकी के जो सर्ग हैं जिसमें राम के जीवन की बात है वो कोई साधारण कवि के बस की बात नहीं है, वो राम वाल्मीकि ही कर सकते हैं। इसीलिए जो उत्तरकांड है इट इज एज ऑथेंटिक, वो इतना ही प्रमाणभूत है जितना बाकी के कांड, अयोध्या कांड से लेके युद्ध कांड तक की जो कथा है, जो कांड है, वो भी इतने प्रमाणभूत है, इतने ऑथेंटिक है जितना उत्तर कांड है। उसमें कहीं श्लोक इधर उधर हो सकते हैं कि जो प्रक्षिप्त हो सकते हैं, क्योंकि श्लोक में क्या होता है कि जब जो लोग लिखते हैं नैया लोग कॉपी करने वाले तो वो भी विद्वान थे, तो अपनी ओर से भी उनको मैं भी अपना कुछ अंदर लगा दूँ, तो इसी तरह श्लोक होते हैं। अच्छा, पूरी जो समीक्षित आवृत्ति की हमने बात की, तो समीक्षित आवृत्ति में क्या हुआ कि हस्तप्रत जो होते हैं पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ के आधार पर बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी की जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है उसको प्राच्य विद्या मंदिर भी कहते हैं, तो प्राच्य विद्या मंदिर के बहुत बड़े बड़े विद्वान बाहर से आमंत्रित करके हस्तप्रत 4000 हस्तप्रत उन्होंने एकत्र की। और 4000 हस्तप्रत में क्या है, एक दक्षिण भारत की है, फिर ईशान भारत की है, फिर उत्तर भारत की है, ये सब नेपाल की भी है, सब हस्तप्रतों को एकत्र करके उन्होंने हस्तप्रतों पांडुलिपियों के आधार पर ये समीक्षित आवृत्ति तैयार की, क्रिटिकल एडिशन हमें हम उसको कहें, वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण की क्रिटिकल एडिशन। जो प्रचलित बात है वो वाल्मीकि रामायण में प्रचलित आती है, मगर समीक्षित आवृत्ति में ये भी बातें निकल जाती है। क्योंकि क्या होता है, समझो कि वसंत ऋतु का वर्णन चल रहा है, शरद ऋतु का वर्णन चल रहा है, तो जो लिया है कॉपी करने वाला तो अपनी ओर से भी 2-3 श्लोक जोड़ देंगे, तो हस्तप्रत में सब हस्तप्रत में नहीं मिलेगा। तो वो विद्वानों जो थे बड़ौदा के, वो विद्वानों ने देखा सब हस्तप्रतों को कंपेयर किया और कंपेयर करके उन्होंने ये बात तय की कि भी ये समीक्षा वाल्मीकि अगर लिखते हैं तो ये नहीं लिखेंगे। ऐसा अनुमान लगा के हस्तप्रत पांडुलिपियों के आधार पर उन्होंने हमें एक शुद्ध जिसमें प्रक्षिप्तांश नहीं है, जिसमें इंटरपोलेशंस नहीं है, ऐसा शुद्ध अगर वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण कहीं से मिल जाए तो ये रामायण ऐसी होगी, ऐसा ये विद्वानों का ये MS यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में जो कॉपी तैयार हुई समीक्षित आवृत्ति वो विद्वानों का कहना। तो उसे हमारे दर्शक कैसे पा सकते हैं, क्या नाम मिलता है, क्या नाम है ऐसे उसको समीक्षित आवृत्ति बोलते हैं, समीक्षित और उसके आप बता सकते हैं इसमें मेरे पास ऊपर है। अच्छा हाँ ठीक है, इस वीडियो के बाद हम बताएंगे हो सके तो जी। और उसके अतिरिक्त कौन कौन सी ऐसी जो है जो पढ़नी चाहिए, क्योंकि जन सुलभ में हम देखे तो गीता प्रेस की उपलब्ध है। गीता प्रेस क्या है कि गीता प्रेस में ये प्रचलित गीता प्रेस क्योंकि सस्ती है, बहुत कीमत भी बहुत नहीं है उसकी, और उनका तो पूरा मिशन रहा है कि संस्कृत की सारी किताबें बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो। तो गीता प्रेस से क्या है कि ऐसी समीक्षित नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती है जो वाल्मीकि ने ना लिखे। मैं एक दूसरा उदाहरण दूँ कि हमारे वहाँ क्या है, प्राचीन समय में जो बीच में जो काल आया ना तो ब्राह्मण संस्कृति थी, ब्राह्मण संस्कृति जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म वाले और बाकी जो दूसरे धर्म आए बौद्ध धर्म, तो कभी कभी वो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म वालों के साथ क्लैश होते थे। तो उन्होंने क्या कि बौद्ध को उसको ऐसा चोर बताया कि एक श्लोक ऐसा डाल दिया कि ये तो जो बौद्ध है वो तो चोर है। तो ये बात बहुत बुरी है इस ऐसे देखा जाए तो, कि बौद्ध भगवान तो ऐसे दुनिया के बहुत जो बड़े महान लोग हो गए उसमें से एक है, ऐसा बहुत बुद्ध है। तो फिर ऐसी बात अगर वाल्मीकि रामायण में आएगी और सनातन धर्मियों ने अगर डाली है और अगर वो वाल्मीकि ने खुद लिखी हो, तो जब ये हस्तप्रत वाली बात आई समीक्षित आवृत्ति की, तो उसमें पांडुलिपियों के आधार पर सिद्ध हो गया कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है, तो निकाल दिया गया।
अच्छा तो एक तो इनको भी लेके कहा जाता है कि ये वाल्मीकि डाकू थे, वो भी बात गलत है। तो वो बात सही है क्या? वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा, ऐसे इतने हजारों वर्ष की ये कहानी है ना, तो ये बात बीच में फिर डेवलप हुई है। अच्छा। वाल्मीकि तो प्राचेतस है, माने जो ब्रह्मा के प्रजा दक्ष जो हुए, जो ब्रह्मा के दस मानस पुत्र दस हुए, उसमें से एक के पुत्र है। वाल्मीकि जाति हो गई, वो भी जानते हैं कि वाल्मीकि नाम से जाति हो गई, तो वो कोई शूद्र जाति के नहीं थे, वो तो ऋषि है, प्राचेतस है, प्राचेतस है, ब्रह्मा के पुत्र है, मानस पुत्र के पुत्र है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। और ऐसी दर्शकों से कहूंगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हमें यदि जानना है तो हमें उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम टीवी की रामायण देख के अगर किसी निष्कर्ष पर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा समस्या उत्पन्न करने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण को एक इतिहास ग्रंथ के तौर पर उसका सबसे पहले अध्ययन किया जाए। दूसरी, रामायण को भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसके उद्देश्य को समझे कि वो क्यों लिखी गई, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये है ना, ये समीक्षित आवृत्ति है जो बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी है, उसके एफिलिएशन में एक संस्था है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, प्राचीन विद्या विद्या मंदिर भी बोलते हैं। उन्होंने, वो संस्था ने क्या किया कि गुजरात के बहुत आरूढ़ विद्वानों को एकत्र किया, और फिर प्रत्येक कांड, रामायण में 7 कांड होते हैं, प्रत्येक कांड की ऐसी समीक्षित आवृत्ति उन्होंने बनाई। बालकांड लिया, फिर अयोध्या कांड लिया, फिर बाकी का अरण्य कांड लिया वगैरह, इस तरह से देखो ये समीक्षित आवृत्ति का ये भाग है, ये पृष्ठ है कि वाल्मीकि रामायण, नीचे लिखा है क्रिटिकल एडिशन, फिर Volume 1 बालकांड पहला कांड है, फिर जिसने, जो विद्वान ने उसको तैयार किया उसका नाम है प्रोफेसर GH भट्ट, ऐसा नाम। तो ये कैसी तरह हुआ, तो क्या है कि बालकांड पर जितनी पांडुलिपियाँ मिलती है वो सब उन्होंने एकत्र की, इकट्ठे की, और वो एकत्र करके इसका पूरा शुरुआत में यहाँ से तो इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, ये जो समीक्षित आवृत्ति थी उसमें UGC ने ये बात खास आप रखना कि UGC ने उसको सहाय की, स्पॉन्सर किया। अच्छा। था ये पूरा प्रोजेक्ट 25 साल चला है अभिषेक भाई, पूरा प्रोजेक्ट ये समीक्षित एडिशन का, क्रिटिकल एडिशन का प्रोजेक्ट 1951 से शुरू हुआ और 1975 तक चला, और ये विद्वानों ने काम किया, तो ये समझो किया है। तो इसमें इसके पर सब एडिशन उन्होंने जब पांडुलिपियाँ एकत्र की, इसका जो सब विवरण दिया है कि क्या क्या चीज़ें एकत्र की, बराबर, इसलिए ये ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। फिर क्या हुआ कि देखो, ये मूल वाल्मीकि अगर लिखते तो ये श्लोक लिखते, ऐसा विद्वानों की धारणा है, और ऐसा विद्वानों ने धारणा बना के ये श्लोक, और नीचे जो है इसको हम एपरेटस कहते हैं। एपरेटस माने एक साधन। तो एपरेटस क्या है कि ये जो श्लोक है, तो ये श्लोक के नीचे जो हस्तप्रतें हैं, 4000 हस्तप्रत उन लोगों ने इकट्ठी की थी पूरे भारत में से, नेपाल में से भी लाए थे, और वो 4000 हस्तप्रतों में से उन्होंने विभाजन किया, वर्गीकरण किया। तो ये श्लोक समझो कि ये पहला श्लोक है, नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारद। तो इसका दूसरी जो पांडुलिपिया है उसमें इसका पाठ क्या है, कई जगह च होता है, कई जगह ह होता है, नहीं होता है, वाक्य विशारद है यहाँ, तो उसके बदले कई जगह वाक्य कोविद होता है। तो ये सब बातें सोच के उन्होंने ये पूरी पांडुलिपियों में से एक पाठ चयन किया, पाठ का चयन किया और उनको पसंद की, इस तरह से समीक्षित आवृत्ति तैयार की। तो जो कॉपी करने वाले जो लहिया लोग थे,
उन्होंने जो अपनी ओर से अंदर दाखिल किया था वो निकाल दिया। अच्छा अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कथा थी ना, राम की कथा लोग कहते थे, कथाकार भी थे, तो कथाकार जब कथा करते हैं तो उन्होंने वो देखते हैं कि कई प्रसंग में सामने जो श्रोतागण बैठा है उसको कई बात में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, तो ऐसे श्लोक और जोड़ लेते हैं। तो ये सब बातें समीक्षित आवृत्ति में कृतिक रायसन में निकल गई। अच्छा, और ये अभी अंग्रेजी में ही है? नहीं, ये अंग्रेजी नहीं, ये संस्कृत है, उसका लिखा हुआ है सब अंग्रेजी। अच्छा, लेकिन मूल तो संस्कृत। अच्छा, और आप इसका गुजराती? हाँ, मेरा ये बात हमें रह गई कहने की कि मैंने 18,766 वर्सेस है ऐसी ये समीक्षित आवृत्ति है। पॉपुलर जो वाल्मीकि रामायण है उसके 24,000 श्लोक है। अच्छा, इसमें 18,000? इसमें 18,000 हो गए, वो बाकी के श्लोक निकल गए, क्योंकि वो ये विद्वान लोग ऐसा मानते थे हस्तप्रतों के आधार पर, पांडुलिपियों के आधार पर, कि ये पीछे से आए हैं, वो प्रक्षिप्त है, इंटरपोलेशन है, तो निकाल दिए गए। तो मैंने 18,766 वर्सेस का गुजराती में अभिषेक भाई फॉर द फर्स्ट टाइम, ये अगर हो सके तो इसमें डालना यार, जो अगर हो सके तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजराती, इतना ही नहीं पूरे देश में कोई भाषा में ये एडिशन का ट्रांसलेशन हिंदी से भी पहले। हाँ हाँ, हिंदी से भी पहले अंग्रेजी में हुआ है, अंग्रेजी हमसे आगे है। हाँ, अंग्रेजी आप देखो कि पश्चिम में अमेरिका में गोल्डमैन है, ये गोल्डमैन ने हमारे पहले, मैंने 2020 में ट्रांसलेशन पूरा किया, मैं अकेला था, उनकी 5 और आदमी थे, 6 लोग मिल के उन्होंने काम किया, और 2017 में उन्होंने ये समीक्षित आवृत्ति का ट्रांसलेशन विथ नोट्स एंड इंट्रोडक्शन उन्होंने पूरा किया। मेरा अभी इंट्रोडक्शन का काम चल रहा है, अनुवाद का काम मैंने पूरा किया। ये गोल्डमैन है, ये गोल्डमैन ये देखो अंतिम जो उत्तरकांड है ना, उत्तरकांड का उनका ये वॉल्यूम है। अच्छा, देखो ये वॉल्यूम उनका, ये यहाँ कहीं मिलता नहीं है। अच्छा, मैंने अमेरिका से मंगवाया। अच्छा, 14,000 रुपया उसका मुझे, ओहो, मगर मैंने खर्च किया। अच्छा, ये प्रस्तावना है। अच्छा, रामायण वाल्मीकि कितना ये लोग काम करते हैं, ये लोग बड़े रुचिकर हैं। देखो अंग्रेजी में उन्होंने किया, हमारे से पहले किया। हाँ, अभी भी यहाँ भी केवल मैंने किया है गुजराती। हाँ, में तो अभी गुजरात। अच्छा, में ही कई लोग तो जानते नहीं है कि इतना काम, बड़ा काम हुआ है। जी जी, ऐसा तो इनको लेके हमारी प्रशासन, हमारा शासन कुछ रुचि नहीं रखता क्या? उन्हें करना चाहिए। नहीं लगो, फिर क्या होता है कि कई लोग ऐसा मानती है तो विदेशी है। अभी ऐसी बातें बहुत आ गई नहीं है कि गोल्डमैन है विदेशी। कभी कभी क्या है, विदेशी लोग अपनी क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो वो बात हमें अच्छी नहीं लगती है। अरे वो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें ठीक लगे तो लेनी चाहिए, नहीं ठीक लगे तो नहीं। मगर उन्होंने ऐसा काम किया है, देखिए इसमें बाद में उसकी नोट्स है, कितनी नोट्स है यार, कितना जबरदस्त काम किया है। ये लोग 6 लोग थे, मगर पूरे विश्व में अभिषेक भाई इंग्लिश में इसका काम हुआ, गोल्डमैन का और उनकी टीम का, और अपने देश में सिर्फ मेरा अनुवाद का काम पूरे विश्व में। एक तरफ गोल्डमैन है, दूसरी तरफ मैं। तो सर आप भी हनुमान हो गए। ये भगवान की कृपा है। लेकिन मैंने, मुझे पहले ध्यान नहीं था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। सुंदरकांड मैंने किया, मैं सुंदरकांड के बाद मैंने ध्यान में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। ये मेरी लिखी हुई पूरी किताबें हैं, ये जो है पूरा रो, ये मेरी लिखी हुई किताबों का। अच्छा, ये सब आपकी किताबें हैं? मेरी किताबों का पूरा रो उसका। अच्छा, ये आपने लिखा है? इतनी बड़ी बात, रामायण जैसा पूरे विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, महाभारत जैसा पूरे विश्व में ऐसा ग्रंथ नहीं है,
और गुजराती ने इतना बड़ा काम किया, गुजरात के बारे में हमें हमारी गुजरात की अस्मिता भी नहीं, इतना बड़ा काम समी से आवृत्ति का काम, बहुत बड़ा काम। हाँ, ये पहली बार हमें पता चल रहा है। और विश्व में ऐसा जैसा महाभारत का पुणे में महाराष्ट्रियन लोगों ने किया, ऐसा काम गुजरात में हो। फिर भी कई लोग बिल्कुल उदासीन है, तटस्थ है, इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। तो हमारा हिंदू समाज का अभी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि वो बॉलीवुड को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान बैठे हैं, है ना, और उसे ही देख के अपनी धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन इस तरह का कार्य जो हुआ है धरातल पे, तो फिर उससे उसको लोग अनजाने नहीं और खोजने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं अंदर से मजबूत हूँ, नहीं तो ये सब निराशाजनक वातावरण है। ऐसे तो हम निराश हो सकते, डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। मैंने कितने बस दिए हैं उसको, और अभी भी मैं एक कोरोना आ गया तो मुझे तो ये बीच में शुरुआत के 20 में कोरोना आया तो मेरे नाक में से पानी रनिंग नोज पानी निकल, मैं बोला कि कोरोना लग गया मैं गया और अगर गया तो इसका क्या होगा। पर प्रभु राम की कृपा है, भगवान राम। तो ये सही मैंने किया ना, बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे समीक्षित आवृत्ति करना है, तो मुझे ध्यान है कि भारत में किसी ने नहीं किया। मैं बहुत जगह वो उसमें जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में वगैरह में, अंग्रेजी में सब बोलना, तो मैं गुजरात के लोग तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मगर मैं बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूँ ना, मुंबई में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत तो वहाँ जाकर मैं पूछता हूँ कि आपकी भाषा में कन्नड़ में किसी ने समीक्षित आवृत्ति का अनुवाद किया है, कभी कोई किसी ने नहीं किया है। ये पद फर्स्ट टाइम, ये गुजराती में पद फर्स्ट टाइम आ रहा है। अच्छा, हाँ ऐसा है, ये अयोध्या खंड मैंने बताया थे तो ऐसे बाकी सभी सब समीक्षित आवृत्ति के वॉल्यूम से, एक एक वॉल्यूम। अच्छा, सात खंड है तो सात वॉल्यूम ऐसे है। अच्छा, ये सादा है, सिंपल है, ये पुराना है, ये मैंने नया लिया है। तो देखो इसमें किष्किंधा कांड है ना। अच्छा, तो हनुमान जी आए, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका उपलब्ध हो हमारा गुजराती, और बाद में कोई हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन कर सकता है। हिंदी में करना ही चाहिए, हिंदी इतना बड़ा, कितने लोग बोलने वाले हैं। हमें लगता है कि सर गुजराती का बड़ा लाभ होगा लोगों को, क्योंकि वहाँ से कई लोग प्रेरित होंगे। प्रेरित होने इतनी बड़ी बात हुई है, मगर जितना हम अच्छा देखो, गुजरात में जो अहमदाबाद के जो मैगजीन्स है, जो अपने न्यूज पेपर्स है, मीडिया, किस मीडिया, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, ऐसे सब सो वो सर अभी सब मटेरियलिस्टिक है। उसको दूसरे जो टीआरपी, हाँ टीआरपी किसका, उसमें रस ज्यादा पड़ता वो मीडिया हमारा भी वो कल परसों वो नहीं बचपन का प्यार सोनू मेरी डार्लिंग में व्यस्त है तो वो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये काफी रोचक जानकारी, और कदाचित हमारे दर्शकों के लिए भी पहली बार होगा कि वे इसका क्रिटिकल एडिशन जो कहीं उसका इस तरह से उसका दर्शन कर पाए। और ये माहिती अगर मैंने जो किया वो इसमें तो नहीं आया है, हमने नीचे किया उसमें तो ये बात नहीं आई, मैं अलग से इसका जोड़ दूंगा, जोड़ सकते जी जी जी, पता चलना चाहिए।